हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर अन्य किसी व्यक्ति का प्रभाव ना हो। इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे तो कई ऐसी व्यक्ति रेखाएं, चरित्र है जिनका असर हमारे ऊपर होता है। और ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व है महात्मा गांधी का, जिनका शुरुआत से ही मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा। आजकल मैं देखती हूँ कि यंग जनरेशन या इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कई बार दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट गांधी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके विचार नहीं होने चाहिए, पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कोई कमेंट करते हैं तो हमें पहले समझना होगा कि वह व्यक्ति क्या है। और इसी उद्देश्य से मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ द जर्नी फ्रॉम मोहन टू महात्मा, अ नरेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यह टाइटल है महात्मा गांधी के आत्मचरित्र का, जिसे हिंदी में मेरे सत्य के प्रयोग और मराठी में माझे सत्याचे प्रयोग ऐसा टाइटल दिया गया है। यह आत्मचरित्र अलग अलग पांच हिस्सों में बटा हुआ है। किताब की शुरुआत में गांधी जी ने इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें यह किताब लिखने के पीछे की अपनी भूमिका वे स्पष्ट करते हैं। आगे किताब टोटल पांच हिस्सों में बटी हुई है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव। इन अलग अलग पार्ट्स में कई सारे छोटे छोटे किस्से गांधी जी ने लिखे हैं अपने जीवन के बारे में। तो इन सारे अलग अलग किस्सों के बारे में मैं आपसे बातचीत करते रहूंगी अगली कड़ियों में। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इस किताब की प्रस्तावना में गांधी जी लिखते हैं कि मेरे एक मित्र थे, सहकारी थे, जिनका आग्रह था कि मैं अपना आत्मचरित्र लिखूं। यह पहले मैं बता दूं कि यह किताब पहली बार सन 1927 में पब्लिश हुई। शुरुआत में गांधी जी कहते हैं कि मेरे एक स्नेही का आग्रह था कि मैं किताब लिखूं, आत्मचरित्र लिखूं, और मुझे ये विचार अच्छा लगा। मैं यह कार्य शुरू ही करने वाला था कि मुंबई में तब के बॉम्बे में दंगे शुरू हो गए और कुछ घटनाएं ऐसी होती गई कि गांधी जी को एरवड़ा जेल में रखा गया। एरवड़ा जेल में सार्जेंट जयराम दास उनके साथ थे। उन्होंने फिर से गांधी जी को कहा कि उन्होंने अपने आयुष्य के बारे में लिखना चाहिए, अपने जीवन के बारे में लिखना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं भी यह चाहता हूँ, इस किताब का फ्रेमवर्क भी मेरे दिमाग में तैयार है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं यह काम करूँगा तो उस समय मुझे दूसरा कोई भी काम करना नहीं है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मुझे इस किताब के ऊपर ही करना है। लेकिन किसी कारणवश गांधी जी को लगभग एक साल पहले ही एरवड़ा जेल से रिहा कर दिया गया और वह काम अपूर्ण रह गया। रिहा होने के बाद स्वामी आनंद ने गांधी जी से आग्रह किया फिर से कि वे अपने ऊपर किताब लिखे, और गांधी जी ने इस कार्य की शुरुआत की। पर उस दरमियान उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि ऑटोबायोग्राफी लिखना, यह कल्चर मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में है, हमारे इधर कौन आत्मचरित्र लिखता है? और ऐसा हो सकता है मोहन कि आज तुम जिस प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हो, वह शायद भविष्य में उनके ऊपर से तुम कोई दूसरे प्रिंसिपल्स पर चले जाओ तो तब तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती है। मेरे मित्र का यह विचार मुझे कुछ कह गया और थोड़ा सा मैं विचार करने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा उद्देश्य रियल ऑटोबायोग्राफी लिखना ही नहीं है, किंतु मैंने मेरे जीवन में जो अलग अलग सत्य के प्रयोग किए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और ये प्रयोग मैंने किसी बंद कमरे में नहीं किए हैं, किंतु खुले में और समाज के अंदर रहते हुए ये सारे प्रयोग जो मैंने किए हैं वह मैं बताना चाहता हूँ। गांधी जी आगे लिखते हैं कि मेरे ये प्रयोग नैतिक नहीं है, किंतु आध्यात्मिक जरूर है, और आध्यात्मिकता के इन्हीं प्रयोगों ने मुझे मेरे राजकीय क्षेत्र में आगे कार्य करने में मदद की।
आगे गांधी जी लिखते हैं कि मेरे ये सत्य के प्रयोग कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि बच्चा इनोसेंट होता है और ये इनोसेंस और सच्चाई एक एरोगेंट इंसान में नहीं होती है। इस किताब में मेरा उद्देश्य किसी को मार्गदर्शन करना ऐसा नहीं है, किंतु जो भी गलतियां मैंने मेरे जीवन में की है वह मैं सबके सामने रखना चाहूँगा। और इस तरीके से गांधी जी खुद के बारे में कहते हैं कि किस तरीके से सत्य को उन्होंने ईश्वर माना, और गांधी जी आगे यह भी कहते हैं कि इस ईश्वर की खोज में मैं निकल पड़ा हूँ, मुझे अभी तक मेरा ईश्वर मिला नहीं है, किंतु मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्रकाश की तरह इस सत्य के आगे, इस सत्य के पीछे मैं चलता रहूँगा। मेरा उद्देश्य सत्याग्रह शास्त्र के प्रयोगों को बताना होगा, ना कि यह बताना कि मैं कितना अच्छा हूँ। प्रस्तावना के अंत में गांधी जी खुद के बारे में बोलते समय लिख सूरदास का एक पद बताते हैं। यह पद है, वेयर इज देयर अ रेच सो विकेट एंड लोथसम एज आई हैव फॉरसेकन माय मेकर सो फेथलेस हैव आई बीन। इसके अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे गांधी जी के जीवन के कुछ अलग अलग कहानियां और किस्से जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।